देखिए कैसे चीन से खैरात के भरोसे चलती है पाकिस्तानी नौसेना। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ताइवान में बड़ी घुसपैठ को दिया अंजाम। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोमवार को चीन निर्मित एक बहुउद्देशीय फ्रिगेट यानी कि तेज गति से चलने वाला युद्धपोत और कतर द्वारा दिए गए 10 हेलीकॉप्टरों को अपनी नौसेना में शामिल किया। पाकिस्तान नौसेना द्वारा जारी एक बयान के अनुसार PNS तुगरिल फ्रिगेट और 10 सी किंग हेलीकॉप्टरों को कराची के डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। हाल के दिनों में पाकिस्तानी नौसेना के अधिकतर हथियार और जहाज चीन से ही सप्लाई किए जाते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान नौसेना के लिए 4 फ्रिगेट के कॉन्ट्रैक्ट पर जून 2018 में पाकिस्तान और चीन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं सी किंग हेलीकॉप्टर कतर ने पाकिस्तान में उपहार में दिए हैं। PNS तुगरिल अपनी तरह का पहला पोत है जिसे शंघाई के एक शिपयार्ड में बनाया गया है। ये एक मल्टी मिशन वाला जहाज है। सतह से हवा और सुपरसोनिक सतह से सतह मिसाइल जैसे हथियारों से सुसज्जित है। पाकिस्तान नौसेना के बयान में कहा गया कि हथियारों और सेंसर के जरिए ये अत्याधुनिक जहाज कई समुद्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान नौसेना में शामिल की गई चीनी बहुउद्देशीय फ्रिगेट का नाम तुर्कमान सरदार तुगरिल के नाम पर रखा गया है। पाकिस्तान ने सोमवार को चीन निर्मित एक बहुउद्देशीय फ्रिगेट और कतर द्वारा दिए गए 10 हेलीकॉप्टरों को अपनी नौसेना में शामिल किया। जी हाँ, आपको बता दें कि हथियारों और सेंसर के जरिए ये अत्याधुनिक जहाज कई समुद्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे जहाजों को भी पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों, चीनी बहुउद्देशीय फ्रिगेट का नाम तुर्कमान सरदार तुगरिल के नाम पर रखा गया है, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, और जिन्होंने 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच आधुनिक ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की पर शासन करने वाले सेल्जुक साम्राज्य की स्थापना की थी। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि तुगरिल युद्धपोत पाकिस्तान की नौसेना का अब तक का सबसे बेहतरीन युद्धपोत है। दोस्तों, ये तो वैसे वक्त ही बताएगा कि ये बेहतरीन है कि नहीं, क्योंकि आपको हम बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने चीन से जो भी सैन्य सुरक्षा में मदद ली है उसमें उसे हमेशा ही घाटा का सौदा करना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ड्रोन्स की बात करें, खतरनाक विमानों की बात करें, तो पाकिस्तान ने आज तक जो भी चीन से लिया है ना, उन सब में उसे धोखा खाना पड़ा है। दोस्तों, इसके जरिए पाकिस्तान समुद्री सीमा और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करेगा, ऐसा वो कह रहा है, जो युद्धपोत उसे चीन के द्वारा भेजी गई। जी हाँ, सहयोगियों के हितों की रक्षा से अभिप्राय चीन द्वारा बनाए गए रहे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि क्या है चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा। इससे सुन आप समझ जाएंगे कि इन दोनों देश के बीच इतनी ज़्यादा आर्थिक उलटफेर और जो है वो एक्सचेंज क्यों होती रहती हैं। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान में 53 अरब डॉलर के सौदों के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में भारी निवेश किया है। ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। इसके तहत चीन ने शिनजियांग क्षेत्र और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली लाइनों को अपग्रेड किया गया है। हालांकि स्थानीय बलूच लोगों के बीच चीन की परियोजनाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी है। CPEC परियोजनाओं पर हमले भी हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तो दोस्तों, चीन से पाकिस्तान ने अपनी सैन्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए युद्धपोत खरीदे हैं, जहाज खरीदे हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कि चीन का सामान वही मेड इन चाइना का टैग लेके ही आता है। उसका कोई भरोसा नहीं है, आज वो है कल ना हो, किसी भी को भी इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि जो चीन ने अपने युद्धपोत और जहाज पाकिस्तान को दिए हैं वो पाकिस्तान के कितने काम आती है। तो दोस्तों, आपको हम इस वीडियो की अगली खबर की ओर लेके चलते हैं जो चीन के ही बारे में है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर से ताइवान पर हमला बोला है और अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए चीन ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ कर डाली है। चीन ने यहाँ के डिफेंस जोन में 39 लड़ाकू विमान भेजे। ये बीते कई महीनों में सबसे बड़ी घुसपैठ बताई जा रही है। ताइवान की सरकार ने बताया कि सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान
रविवार को भेजे गए थे। इनकी संख्या अक्टूबर के बाद सबसे अधिक रही। दरअसल इस देश को आशंका है कि चीन इस पर हमला कर देगा। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है, जी हाँ आपको बता दें, जबकि ताइवान का कहना है कि वह एक स्वतंत्र देश है। चीन इतना कह चुका है कि वह ताइवान को खुद में शामिल कर लेगा, फिर चाहे उसे बल प्रयोग का ही सहारा क्यों न लेना पड़े। दोस्तों आपको हमने कई वीडियोस बना के दिखाए भी हैं कि कैसे अमेरिका ताइवान और चीन के बीच आकर ताइवान की तरफ से बोलता है और चीन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बीते साल चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में कई बार घुसपैठ की थी। 4 अक्टूबर की ही बात है जब चीन के 56 लड़ाकू विमानों ने यहां घुसपैठ कर दी थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने देर रविवार को एक बयान में कहा कि उसने चीनी लड़ाकू विमानों की सूचना मिलते ही चेतावनी के तौर पर अपने लड़ाकू विमान भी भेज दिए। साथ ही ADIZ में दाखिल होने वाले 39 चीनी लड़ाकू विमानों को ट्रैक करने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी। दोस्तों घुसपैठ के लिए भेजे गए इन लड़ाकू विमानों में 24 J-16 शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ताइवान के हवाई रक्षा क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए यह चीन का पसंदीदा लड़ाकू विमान है, जबकि 10 J-10 विमान और एक परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बॉम्बर भी भेजा गया। ताइवान ने इस तरह की घुसपैठ को लेकर नियमित आंकड़े सितंबर 2020 से जारी करना शुरू कर दिया था। अक्टूबर में रिकॉर्ड 196 घुसपैठ दर्ज की गई थी। इनमें से 149 लड़ाकू विमान केवल 4 दिन के भीतर ही भेजे गए। ये वो समय था जब चीन अपना सालाना राष्ट्रीय दिवस मना रहा था। दोस्तों ये रक्षा क्षेत्र ताइवान के खुद के हवाई क्षेत्र के समान नहीं है, लेकिन उसमें एक बड़ा क्षेत्र शामिल है जो चीन के अपने ADIZ के हिस्से के साथ ओवरलैप करता है। 2016 में साई इंग वेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही बीजिंग ने ताइवान पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेन ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानती। वह कहती हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है। आंकड़े बताते हैं कि बीते साल चीन के 969 लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की थी, यानी 2020 में भेजे गए 380 लड़ाकू विमानों से लगभग 2 गुने विमान इस बार भेजे गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।